दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ किस प्रकार से आप उमंग एप्लीकेशन का माध्यम से आप अपना पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा या इंटरेस्ट का पैसा या फिर आपका पीएफ का पासबुक में टोटल बैलेंस कितना वो किस प्रकार से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका जो इंटायर प्रोसेस होता है वो मैं आपको शुरू में बताने वाला हूँ। उमंग एप्लीकेशन का माध्यम से पीएफ बैलेंस चेकआउट करना काफी इजी, काफी ज्यादा आसान होता है क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड इंटर करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आप अपना पीएफ अकाउंट का पासवर्ड भूल चुके हैं, आपको याद नहीं है, तो आप उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से बिना पासवर्ड का ही आप अपना बैलेंस वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे केवल आपको ओटीपी से वेरीफाई करना होता है। तो चलिए इसका जो लेटेस्ट प्रोसेस होता है मैं आपको शुरू में बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले आपके मोबाइल फोन में जो उमंग एप्लीकेशन है उसे आपको ओपन करना है। तो जैसे आप अपना मोबाइल फोन में उमंग एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा तो जो उमंग एप्लीकेशन का होम पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने उमंग एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड नहीं किए होंगे तो प्ले स्टोर पर जाकर के वहां पे आपको उमंग सर्च करना है, उमंग एप्लीकेशन आ जाएगा तो उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे इंस्टॉल कर लीजिएगा तो वहां पर ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, तो ओपन पर क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। तो जैसे ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है, तो केवल आप अपना मोबाइल नंबर से ही डाल करके और आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइनली आपका मोबाइल नंबर वगैरह नाम वगैरह डाल करके अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको लॉग इन करना होगा तो अपने मोबाइल नंबर से ही वहां पर आप लॉग इन कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। चलिए अब यहां से प्रोसेस बता देता हूं किस प्रकार से उमंग एप्लीकेशन से आप अपना बैलेंस वगैरह चेकआउट करेंगे पीएफ का। ठीक है, उसके लिए नीचे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है सर्विस का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जितना भी सर्विस होता है वो यहां पे आपके पास हो जाता है। ऑल यहां पे नजर भी ऑल पर जाइएगा तो टोटल का टोटल यहां पे सर्विस नजर आ जाता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में और सबसे सिंपल तरीका से मैं आपको बता देता हूं। ऊपर में देखिए यहां पर नजर आता होगा एक ऑप्शन मिल जाता है भी ऑल सर्विस, इस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए यहां पर मैं क्लिक करता हूं तो जितना भी सर्विस होता वो यहां पे सो जाता है। यहां पे अब आपको खोजना होगा ईपीएफओ, जैसे कि यहां पे देखिए ईपीएफओ यहां पे देखने जा तो ईपीएफओ, इस पर भी क्लिक करके आप अपना बैलेंस वगैरह चेक आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे इजी तरीका मैं आपको बताता हूं, सर्विस में आपको आना है और ऊपर में देखिए सर्च बार नजर आता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहां पे मैं क्लिक करता हूं और यहां पे आपको टैप करना है ईपीएफओ। ठीक है, केवल आपको ईपीएफओ टैप करके आपको सर्च करना है। जैसे ही ईपीएफओ टैप करके सर्च कीजिएगा तो यहां पे देखिए काफी सारा सर्विस यहां पर नजर आता होगा, तो यहां पे आपको नहीं क्लिक करना है। नीचे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है डिपार्टमेंट, उसी के नीचे नजर आता होगा ईपीएफओ, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईपीएफओ वाला सेक्शन खुलकर आ जाता है, जहां पर जितना भी ईपीएफओ का काम होता है उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से वो यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अपना कंपनी का स्टेटमेंट सर्च कर सकते हैं, ईपीएफओ ऑफिस सर्च कर सकते हैं, अकाउंट डिटेल निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल जाता है भी पासबुक। ठीक है, पासबुक में ही आपको लॉगिन होना होगा तभी बैलेंस वगैरह चेकआउट कर सकते हैं, तो भी पासबुक आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पेज खुलकर आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आपके पास यूएन नंबर है, जिस यूएन नंबर में आप बैलेंस वगैरह चेकआउट करना चाहते हैं उस यूएन नंबर को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नजर आता होगा गेट ओटीपी, तो आपको गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। जैसे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एन ओटीपी हैज बीन जनरेट एंड सेंड टू योर मोबाइल नंबर सक्सेसफुल, तो आपका जो भी पीएफ अकाउंट जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर का भी कुछ डिजिट देख सकते हैं, तो जो भी आपका पीएफ अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को यहां पे सबसे पहले आपको फिलअप करना है। जैसे कि यहां पे मैं ओटीपी फिलअप कर दी हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पे देखिए किसी भी प्रकार से यहां पे पासवर्ड फिलअप करने का ऑप्शन नहीं है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है, आप भूल चुके, कोई दिक्कत की बात नहीं, केवल आप ओटीपी से वेरीफाई कीजिए। ठीक है, जैसे कि यहां पे मैंने ओटीपी फिलअप किया, देन यहां पर नजर आता है सबमिट, तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना पासबुक वाला सेक्शन में यहां पे लॉगिन हो जाता है। जैसे कि यहां पे देखिए वेलकम नजर आता होगा, उसके बाद जो भी आपका यूएन नंबर होता है वो यहां पे शो हो जाता है। अब नीचे देखिए मेरे केस में तीन मेंबर आईडी आ रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने यहां पे तीन कंपनी में काम किया हूं, जिसके वजह से यहां पे तीन मेंबर आईडी शो होता होगा। आपके केस में अगर आपने एक कंपनी में काम किया होगा एक मेंबर आईडी शो होता होगा, आपने जितना कंपनी में काम किया होगा बेसिकली उसी के अनुसार आपके पास मेंबर आईडी आ जाता है। अब जिस भी मेंबर आईडी या फिर जिस भी कंपनी में आपको पैसा चेकआउट करना है उसी मेंबर आईडी पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद फाइनली इस मेंबर आईडी का जो भी बैलेंस वगैरह होता है, जो भी डिटेल होता है, वो सब कुछ यहाँ पे खुलकर आ जाता है। जैसे कि सबसे ऊपर में देखिए एस्टैब्लिश नेम, जो भी मेंबर आईडी होता है कंपनी का, जो भी एस्टैब्लिश कोड होता है वो यहाँ पे शो जाता है। उसके बाद पीएफ ऑफिस, उसके बाद एम्प्लॉय शेयर, और नीचे देखिए एम्प्लॉय से नजर आता होगा पेंशन कंट्रीब्यूशन यहाँ पर नजर आता होगा। अब यही सब अपना पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा, टोटल बैलेंस और इंटरेस्ट का पैसा आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको वन बाय वन करके मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आता है पीएफ का बैलेंस। तो पीएफ का बैलेंस में दो बैलेंस को जोड़ता है, पहला तो आपका सैलरी से जमा होता है वो, प्लस कंपनी भी जमा करता है। दोनों बैलेंस को जब जोड़ देते हैं वही हो जाता है पीएफ बैलेंस। जैसे कि यहां पे देखिए नजर आता होगा एम्प्लॉय शेयर, तो सबसे ऊपर में देखिए एम्प्लॉय शेयर नजर आता होगा, मेरे कंडीशन में है 19,945 रुपया, ये है मेरा सैलरी से जो जमा हुआ है वो यहां पर नजर आता होगा। साथ ही साथ कंपनी कितना जमा करता है वो नीचे देखिए नजर आता होगा एम्प्लॉयर शेयर, यहां पर नजर आता होगा 6,097 रुपया। तो 19,945 प्लस 6,097 दोनों अमाउंट को जब जोड़ दीजिएगा
वही हो जाता है पीएफ का बैलेंस। ठीक है, मतलब ये दोनों कॉलम को जोड़ने के बाद जो भी अमाउंट आता है वो होता है आपका पीएफ का बैलेंस। अब आपको पेंशन का बैलेंस चेकआउट करना है तो नीचे ही देखिए सबसे इजी है, पेंशन का सॉल्यूशन नजर आता होगा। मेरे कंडीशन में है 12,115 रुपया, जो 12,115 रुपया है वो मेरा टोटल पेंशन का पैसा है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे इंटरेस्ट का पैसा जमा हुआ है या नहीं हुआ है या तो कितना जमा है वो आपको चेकआउट करना है, उसके लिए नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है इंटरेस्ट अप टू डेट, यहाँ पे नजर आता होगा 31 दिन 2023 तक यहाँ पे इंटरेस्ट मिल चुका है। तो यहाँ पे देखिए इंप्लॉय शेयर पर कितना इंटरेस्ट मिला है, 1199 रुपया। यहाँ पे देखिए इंप्लॉय शेयर कितना है, 19,945 है, तो 19,945 पर कितना इंटरेस्ट मिला है, 1199 रुपया। जबकि कंपनी का जो शेयर था 6,097, तो 6,097 पर कितना इंटरेस्ट मिला है, 367 रुपया। ठीक है, केवल आपको पीएफ का पैसा पर ही इंटरेस्ट मिलता है। तो दोनों कॉलम में देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस यहाँ पे जुड़ा हुआ इंटरेस्ट मिला हुआ है, जबकि पेंशन का पैसा पर किसी भी प्रकार से इंटरेस्ट नहीं मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पे 0-0 नजर आता होगा। तो कुछ इस प्रकार से पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा और इंटरेस्ट का पैसा चेकआउट कर सकते हैं। अब रहता सवाल टोटल बैलेंस कितना है वो आपको चेकआउट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो इंप्लॉय शेयर और पेंशन कंट्रीब्यूशन है, जो तीनों कॉलम है उसको आपको जोड़ देना है। तीनों कॉलम को जब जोड़ दीजिएगा तो जितना भी आपका अमाउंट होता है आपके पीएफ के पासबुक में वो आपका हो जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पे इंप्लॉय शेयर है उसमें इंटरेस्ट जोड़कर ही यहाँ पे ऊपर में शो होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 19,945 इसमें से 1199 इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ जो यहाँ पे 6,097 इसमें 367 पर इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, आपको दोबारा से नहीं जोड़ना है। टोटल बैलेंस चेकआउट करने में टोटल ये तीनों कॉलम को आपको जोड़ देना है, उसके बाद टोटल बैलेंस आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पासबुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए नीचे भी सेम आपका डिटेल शो होता है, सेम बैलेंस यहाँ भी शो जाता है। नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड का आइकन नजर आता है, डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप अपना पासबुक को एक पीडीएफ फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट करना, चैनल पर नए हो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।